संत है या शैतान। कन्या जा जा करके नंबर से मालिश करती हैं बाबा की। कई हजार लड़कियां हैं जिनको बंधक बना के रखा हुआ है। एबीपी न्यूज की बड़ी तहकीका, 10-10, 20-20 कन्याएं रात में बुलाता है और उनके साथ भोग विलास करता है और रातों रात में इसका काम रात में ही चलता है और कन्याओं के साथ सोता है। आज खुलेगा करोड़ों के वीआईपी बाबा का सारा राज। पहले तो इसकी नजरें होती हैं उसकी बेटियों पर, बेटियां समर्पित होने के बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी पर नजर होती है, उसकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लेता, सब कुछ हड़प पे उसको बिल्कुल कंगला करके उसको अपने अधीन बना के रखता। क्या बाबा ने किया है सैकड़ों लड़कियों से बलात्कार? तो कंडोम भी मंगाया मुझसे, मैंने कहा ये क्या है, क्या कन्याओं के साथ बहुत सारी क्या कहते बीमारियां इसलिए बाबा को इस्तेमाल करनी पड़ती है। अभी यहाँ के मेन जो वीरेंद्र देव दीक्षित है उन्होंने रेप किया और ब्लैकमेल किया। क्या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से चलता है सेक्स का बड़ा रैकेट? मारते थे और सब टच टच करते थे। 17-18 लड़कियां इनके गुफा के नीचे पकड़ी गई थी, गुफा एक नीचे तहखाना टाइप को बनो। एक चौंकाने वाला खुलासा। वो भक्तों के सामने सांसारिक भोग और मोक्ष की बातें करता है, वो खुद को ईश्वरीय आत्मा बताता है, वो लड़कियों को सरेंडर यानी समर्पण करने का उपदेश देता है। लेकिन जब से बाबा के कुकर्मों की कहानी का खुलासा एबीपी न्यूज ने किया है, भक्ति भजन और ज्ञान की बातें करने वाला वो अरबपति बाबा गायब हो गया है। वो कहां है ये किसी को नहीं मालूम। और अब बाबा के पाप के बारे में उसके ही कुछ पुराने भक्तों ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली। शादी करनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा है उन कन्याओं को ज्ञान में चला ले। खुद को कन्याओं का कन्हैया बताने वाला बाबा इन दिनों लापता है। बाप कहते हैं कन्याओं का कन्हैया आया हुआ है, कन्याएं ही ज्यादा सरेंडर होती हैं। लड़कियों को सरेंडर यानी समर्पण का उपदेश देने वाला बाबा संगीन आरोपों के साथ ही अदृश्य हो गया है। सूपन खाए पूतनाए बार बार पुरुषों के सामने नरक का गेट खोल के बैठ जाती है। जी हाँ, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संचालक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में जब से लोगों ने संगीन आरोप लगाते हुए हल्ला बोला है, धर्म कर्म की बातें करने वाला ये बाबा गायब हो गया है। वीरेंद्र देव पर आरोप है कि उसने पाखंड के जाल में फंसाकर सैकड़ों लड़कियों से बलात्कार किया है। सात सात तालों के अंदर हमें मिलवाया। वो बाबा 16,000 रानियां बोल के उनके साथ बलात्कार करता था। उनके साथ उल्टे काम होते और अपने पेरेंट्स से बात तक नहीं करने देते। कोई कहता है बाबा अपने आश्रम में लड़कियों को कैद रखता है, तो कोई कहता है बाबा के सम्मोहन के खेल ने हजारों लोगों को बर्बाद कर दिया है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जाते थे, छोटी यहाँ पे अलमारियों के अंदर मिल रहे हैं, बंद अलमारियों के अंदर। पुलिस देख नहीं रही कि ये कौन सा आश्रम है, कहाँ से वैलिडिटी है। यहाँ पर ऐसे 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 गोदाम बने हुए, गुप्त अड्डे बने हुए हैं जहाँ पर हम मतलब ढूंढ भी नहीं सकते हैं लोगों को। और इनके साथ वो बाबा 16,000 रानियां बोल के उनके साथ बलात्कार करता था। दिल्ली में पुलिस बाबा के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कर चुकी है, पुलिस बाबा को ढूंढ रही है और बाबा लापता है। वो कहां है, अपनी किस भूल भुलैया में छिपा बैठा है, ये किसी को नहीं पता। बाबा की खोज में एबीपी न्यूज की कई टीम यूपी और दिल्ली समेत उसके कई आश्रमों की खाक छान चुकी है, लेकिन बाबा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।
बाबा वीरेंद्र की तलाश में ही एबीपी न्यूज की एक टीम यूपी के बांदा शहर भी पहुंची थी। छानबीन के बाद वहां भी बाबा नहीं मिले। मिले तो बाबा के कुछ पुराने भक्त, जिनका ये खुलासा आपको सन्न कर देगा। सबसे पहले मिलिए इस महिला से, जिसका दावा है कि खुद को ईश्वर की आत्मा बताने वाला बाबा वीरेंद्र देव पक्का शैतान है। वो धर्म की आड़ में भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनके साथ आश्रम में अय्याशियां करता है। हमारा पूरा प्लान बना कि हम यहाँ पर समर्पण हो जाए, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि ये भगवान का पाठ है। कहते हैं मैं कृष्ण हूँ और तुम जो भी अंदर आ जाओगी तो तुम गोपी बन जाओगी कृष्ण के साथ। तो अभी वो कहता है कि मुझे 16,000 गोपियाँ चाहिए, ताकि मेरे पास अभी 700-800 इकट्ठा हुई हैं, अभी 16,000 चाहिए। बाबा वीरेंद्र दीक्षित के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सालों तक रहने का दावा करने वाली इस महिला की माने तो बाबा खुद को भगवान बताता है। महिला भक्तों को गुमराह करता है और पुण्य प्रसाद के बहाने कुंवारी कन्याओं से बलात्कार करता है। बाबा अकेले शरीर में अपने मालिश करवाता है, कन्या जा करके नंबर से मालिश करती हैं, बाबा के तेल लगाती हैं। और निवस्त्र बाबा दिखाई दिया मुझको, वहाँ कन्या जाती हैं और उनके साथ ऐसे बलात्कार होता है। जब वो कन्या वहाँ बाहर से निकल अंदर से बाहर आती थी, तब मैं उनको देखती थी कि सुंदर चेहरा लेके जाती थी, लेकिन उनके चेहरे में जो है निशान पड़ जाते थे, झाइयाँ पड़ती थी, काला काला चेहरा हो जाता था। तो देखने में आता था कि कुछ इसके साथ हरकत हुई है। एबीपी न्यूज के कैमरा के सामने 12 साल की इस बच्ची ने भी डरावना खुलासा किया है। इस बच्ची की माने तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहते हुए इसने भी बाबा के घिनौने चेहरे को करीब से देखा है। इस मासूम के मुताबिक बाबा सेवा के बहाने इस जैसी ही कई बच्चियों को अपने पास बुलाता था, उनसे मालिश करवाता था और फिर आश्रम के बंद कमरे में करता था घिनौनी हरकतें। बाबा का अश्लील खेल। हम मिले 2-3 बार मिल चुके हैं। तो बाबा क्या कहते थे मिलके? जैसे मिलते थे तो मालिश वालिश कराते थे, जैसे सुबह नहाने तो नहलाती थी बड़ी बड़ी लड़कियों बहने, फिर नहाने के बाद तेल मालिश करवाते थे। 12 साल की इस बच्ची ने बलात्कार के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के बारे में जो खुलासा किया, उसकी तस्दीक वीरेंद्र देव दीक्षित के कई और पूर्व भक्तों ने भी एबीपी न्यूज के कैमरा के सामने की है। जी हाँ, एबीपी न्यूज के कैमरा पर ये वो लोग हैं जो खुद को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चलाने वाले बाबा का शिकार बताते हैं। इन लोगों में सबसे पहले मिलिए दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नंद किशोर से। इनकी माने तो वीरेंद्र देव दीक्षित के भ्रम जाल में फंसकर ये बर्बाद हो गए हैं। बाबा ने ना सिर्फ दान पुण्य के नाम पर इनसे लाखों की रकम ऐंठ ली, बल्कि समर्पण के नाम पर इनकी बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। बाबा के कब्जे में बेटी। पूरा परिवार चलता था मेरा, और वैसे तो मुरलियों में सबके सामने तो कहता है जब तक कन्या समर्पित होने के लिए ना कहे तब तक समर्पित मत कहो, और चुपके से सुबह 4 बजे फोन करके हमें कहता कि नंद किशोर आप अपनी कन्या को समर्पित कर दो। तो हम तो उसको बाबा समझते थे, इसलिए हमने कन्या को वहां समर्पित कर दिया। बलात्कार के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश में एबीपी न्यूज की टीम बाबा के कई आश्रमों की खाक छान चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक बाबा का कोई सुराग नहीं मिला। बाबा लापता है और अब बाबा के ही कुछ पुराने भक्त सुना रहे हैं उसके पापों की वो कहानी जो बेहद सनसनीखेज है। इनसे मिलिए, ये हैं बांदा के रहने वाले बिजनेसमैन ब्रिजेश गुप्ता। ब्रिजेश गुप्ता भी खुद को बाबा वीरेंद्र देव का शिकार बताते हैं।
इनकी माने तो बाबा ने इन्हें भी अपने भ्रम जाल में फंसा कर लाखों की रकम ऐंठ ली। यही नहीं, लाखों का प्लॉट भी अपने नाम करवा लिया। बाबा के धोखे का गेम। जब मैं मेरे घर में आश्रम खुला, मैं इसमें तन मन धन से सब कुछ अर्पण कर दिया, यहाँ तक कि माउंट आबू की जगह भी ली, उसको भी इन्होंने सादे कागज में दिखा लिया है, ये इसकी कॉपी है, ये मैंने हेमंत राय के द्वारा लिया था। प्रॉपर्टी खरीदी थी आपने? माउंट खरीदी थी। इसको भी बाबा कहते हैं, मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन बाबा ने डायरेक्ट न कह के इनडायरेक्ट मांगी और सभी लोगों को साइन करा के सादे कागज में ये माउंट आबू की प्रॉपर्टी लिखा ली कि मैं स्वेच्छा से ये दे रहा हूँ। कारोबारी ब्रजेश गुप्ता की माने तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित खुद को ईश्वर की आत्मा बताता है, लेकिन एक रोज जब इनके सामने बाबा की पोल पट्टी खुली तो इन्होंने बाबा के नाम से तौबा ही कर ली। संत नहीं, वो शैतान है। बाबा आते थे तो बाबा हमारे साथ कभी नहीं लेटते थे, बाबा हमेशा कन्याओं के साथ ही लेटते थे। जहाँ पुरुषों के एक सेकंड की जाने की आज़ादी ना हो, वहाँ बाबा हमेशा कन्याओं और माताओं के साथ रात में सोना, ये बात मुझको थोड़ा सा गलत लगी। यहाँ से मेरा संदेह पैदा हो गया, तब मैंने इसका विरोध करना किया तो मुझको निकाल दिया। कारोबारी ब्रजेश गुप्ता के मुताबिक ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय के नाम पर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित भक्तों को गुमराह कर रहा है, उन्हें अपने फर्जीवाड़े के जाल में फंसा रहा है। बाबा से सावधान। इतना आप लोग प्रभावित हो जाते हैं कि बाबा कुछ मोहित तांत्रिक है ये, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैंने इसको भी देखा है, ये इसमें तंत्र विद्या सम्मोहन की शक्ति कुछ ऐसा है। सच्ची घटना में आज बस इतना ही, मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।